हेलो जी, वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में, और सेंसिटिव टॉपिक एक्चुअली है ये, जिसका नाम है कि हाउ दे कैच यू एज ए फेक टेस्टर विद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। और जनरली लोग पूछते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी प्रोसेस में कैसे होता है, राइट? इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, क्या होता है अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका फेल हो जाता है, राइट? सॉफ्टवेयर टेस्टर हो या डेवलपर हो, कोई भी हो, तभी हमेशा होता ही है, राइट? व्हाट हैपन टू द फेक एम्प्लॉयज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है लोगों के साथ और क्या क्या चीजों का आपको खुद ध्यान रखना है ताकि आप इन प्रॉब्लम्स में ना पड़ो, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं और मेक श्योर डिस्क्लेमर गाइस, इस वीडियो को आप 1.5x या 1.2x करके देख लो, प्रॉपरली पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं पर्सनली आपको देना चाहता हूँ, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं कि गाइस ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनीज करती क्यों है और ये होता क्या है। तो होता क्या है, आज मैं बताता हूँ आपको ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था बहुत साल पहले। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी डिग्रीज, आपका आधार कार्ड, आपकी इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे आपका घर है, क्या कौन कौन सी पिछली कंपनीज में आपने काम किया, क्या आपकी सैलरी थी, पीएफ अकाउंट्स वगैरह तक को प्रॉपरली एक थर्ड पार्टीज चेक करती है। तो आजकल क्या है कि बहुत सी कंपनीज, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो जैसे कि कॉग्निजेंट, टीसीएस हो, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, राइट, वो क्या करती है, थर्ड पार्टीज को दे देती है। थर्ड पार्टीज कंपनीज जो है ना, उनको ये एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं जिसके अंदर वो किसी भी एम्प्लॉय का जनरली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए गए सेकंड पार्ट में, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में वो सारे ही ले लेते हैं। सारे मतलब है कि देखो, मुझे याद है अच्छे से कि पैन कार्ड, आधार कार्ड तो लेते ही लेते हैं, उसके बाद फोटोज हो गई आपकी सारी डिग्री की, एक एक स्क्रीनशॉट को सब कुछ आपको पोर्टल दे दिया जाता है, वहां पे अपलोड करना होता है। आपको एक लिमिटेड टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम तक आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट इंक्लूड करने हैं। अगर आपका प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस है तो प्रीवियस कंपनी के जितने भी लेटर्स आपको मिले हैं सारे डालने होते हैं, सैलरी स्लिप तक डालनी होती है। तो मेक श्योर जो भी कंपनी में आप अगर अप्लाई कर रहे हो या फिर छोड़ के जा रहे हो, राइट, उनके सैलरीज को प्रॉपरली गूगल ड्राइव पे या कहीं पे जहां पे सिक्योर है वहां पे रख लो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जनरली मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड वगैरह ये सारी जितने भी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता है, ठीक है? और ये मेरे साथ हुआ, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ तो आई थिंक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन लास्ट तीन कंपनियों तीनों में ही हुआ है और प्रॉपरली हुआ है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे साथ कैसे कैसे हुआ था, ठीक है? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने फर्स्ट कंपनी में ज्वाइन किया था तो मेरे कॉलेज में फोन गया था, कॉलेज से कंफर्मेशन ली थी उन्होंने कि यस प्रमोद काम करता यहाँ पे, मतलब बेसिकली उसने करी है बीटेक यहाँ से, प्रॉपरली उन्होंने एक एक चीजों को चेक किया था, वहां से कंफर्मेशन आया तब जाके मुझे यस करा गया था कंपनी में। और उसके बाद भी वो लोग एक बंदा घर पे भी आके चेक करके गया था कि यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता, एक एक चीज को उन्होंने प्रॉपरली टेस्ट किया था। और सेकंड बार जब मुझे हुआ था, मुझे याद है वो प्रीवियसली उन्होंने फिर नेक पीस प्रीवियस कंपनी को मेल किया था, वहां से जब तक कंफर्मेशन नहीं आया तब तक मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पास नहीं हुआ था। अब इससे होता क्या है कि बहुत सारे गाइस, मैं आपको टू भी बताऊं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कई लोग फोर्ज करते हैं, कई लोग फेल होते हैं 12वीं में और वो अप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें ना फोर्ज वगैरह जो पड़ी जाती है। तो मैंने बहुत बार देखा ये चीज करते हुए और मैं आपको एक्सपीरियंस से दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिनेरियो भी बताता हूं। अब आप खुद जज हो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट हैपेंड टू द फेक टेस्टर्स और फेक एम्प्लॉयज जो पकड़े गए, ठीक है? मैं कंपनी का नाम भी लूंगा पर आई थिंक बैक टू बैक टू कंपनीज में एक बार यस हुआ था। मुझे याद है कि मेरा ही दोस्त था वो एक्चुअल में, ठीक है? मुझे भी नहीं पता था, वो एक साल बड़ा था मुझसे और उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया फेल। हमने कंपनी ज्वाइन करी, 15 दिन हमने मस्त काम किया, आई थिंक 21st डे को उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल आया। तो अब मुझे पता नहीं चला, वो एकदम से ही उसका मैसेज आया था कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ और वो चला गया। फिर मैंने मैनेजर से बात करी कि सर क्या हुआ, ये ऐसा क्या चीज हुई, तब हमें जाके पता चला था कि उसका फेक एक्सपीरियंस था लास्ट कंपनी का, ठीक है? और वो पकड़ा गया है और उसके साथ बहुत कुछ हुआ था, उसको बहुत सी कंपनीज में ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था, तो सभी भी इस कंपनी में बहुत बार ब्लैकलिस्ट हो गया था, ये एक ट्रू कहानी है। तो अब देखो आप डिसीजन लो उस हिसाब से कि क्या आपको ये डॉक्यूमेंट वगैरह करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, आपको डिसीजन लेना है। अब मैं आपको एक बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस बताता हूँ कि यस मैंने देखा कि बहुत बार बहुत सारे लोग बच गए हैं, ठीक है? वो अभी भी काम भी कर रहे हैं, मैं रिवील तो नहीं कर सकता पर हाँ मैंने खुद देखा है, ठीक है? तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ये होता है जिसके अंदर प्रॉपरली आपकी हर चीज को, प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी देखा जाता है और बहुत सी कंपनियां थर्ड पार्टी को देती है, आई थिंक ऑथ ब्रिज करके कंपनी है जनरली वो लेती है, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स है जहां पर ये चेकिंग होती है, ठीक है? तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप जेन्युइन पर्सन हो, कोई 90% में आता तो 10 में से 9, 9.5 लोग प्रॉपरली कुछ कर पाते हैं, उसमें बहुत ही चांसेस होते हैं कि लोग कि आपका कुछ पकड़ा जाएगा, पर अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो, ठीक है? और बहुत बार कंपनियां आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं, अगर बहुत अच्छी कंपनी होगी ना, मैं सही बता दूं आपको, अच्छी कंपनी होगी तो वो आपको कभी ब्लैकलिस्ट नहीं करेगी, वो बस आपको बोलेगी आप रिजाइन करके चले जाओ, कहीं और ज्वाइन कर लो, हम नहीं लेंगे आपको, ठीक है? बहुत सी जो एमएनसीज है ना वो बहुत गंदा सलूक करती है, आई मीन दो वो जनरली ब्लैकलिस्ट भी करती है और वो अदर एचआर को सर्कुलेट भी कर देती है आपके रिज्यूमे और आपकी इन्फॉर्मेशन की, ये इससे बच के रहना, ये बंदा आ सकता है।
पास, तो वो चीजें भी मैंने देखी। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस कंपनी का, ठीक है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कैसे होता है। डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से करके रखो। ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका मैक्सिमम टाइम होता ही रहेगा, ठीक है, बहुत बार होता है। और जनरली मैंने देखा कि जब आपका दूसरा तीसरी बार होता है ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, और कोई कंफर्मेशन इतनी जल्दी होती नहीं, क्योंकि बड़ी कंपनी जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर कर देती है ना, तो जब मेरा एक बहुत बड़ी एमएनसी से क्लियर हो गया तो उसके बाद तो बहुत ही स्मूथ था। नेक्स्ट कंपनी में गया, उन्होंने 2 दिन में ट्रू कर लिया था इसको, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपनी में गया, एक अगले दिन ही हो गया था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक, ठीक है। कोई फोन वोन भी नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ।